अच्छी वीडियोस बनाते हैं तो आपकी साउंड अच्छी कैसे आए, और मैं आपको सबसे चीप अच्छा जो माइक है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं उसकी अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। तो ये माइक जो है वो DSLR में भी लग जाता है, स्मार्टफोन के साथ भी लग जाता है, और बाकी ऑडियो डिवाइसेस के साथ भी लग जाते हैं। चले दोस्तों, अभी ओपन करते हैं इसको। ये मैंने माइक मंगवाया था sirf.com से, और ये ऐसा माइक है जो आपको हर डिवाइस में लग जाएगा, चाहे वो आपकी स्मार्टफोन हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका DSLR कैमरा हो जिसमें ऑप्शन मौजूद हो। तो अभी ये मैंने मंगवाया है sirf.com से, और इनकी सर्विसेज बहुत ही अच्छी हैं। 5 दिन का टाइम बताते हैं, लेकिन 2 दिन में ये मुझे मिल गया। तो अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग जो है ऐसी माइक से कर रहा हूँ जो आप पहले सुन रहे थे, और वो थी कैमरे की साउंड। तो अभी इसका नाम है बोया BY-M1। जी हाँ दोस्तों, ये तकरीबन हर बड़ा यूट्यूबर इसको यूज़ कर चुका है, और इसकी कुछ स्पेक्स फीचर्स जो है बैक साइड पे दिए हुए हैं, और अच्छा बॉक्स है, और जो है ना कहीं किसी जगह से भी डैमेज नहीं है। इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगी है मुझे। तो इसमें कुछ स्पेक्स आप देख लें जो आप नज़र आ रही होंगे, फ्रीक्वेंसी, ट्रांसमिशन वगैरह, सेंसिटिविटी, आउटपुट, ये सारी चीज़ें देख लें। और नीचे जो है ना इसका स्टिकर लगा हुआ है, आप इसको स्क्रैच करेंगे तो नंबर आएगा। इस नंबर को जो है ना आप जो है स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि चीज़ ओरिजिनल है या नहीं है। तो अभी जो है ना हम इसको ओपन करेंगे। को हम ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये इसके साथ लीवलेट्स है, इंस्ट्रक्शन है, और इसका बताया हुआ है कि आपने कैसे यूज़ करना है। तो ये इंग्लिश में है, आप इसे देख के आप इसको कैसे यूज़ करना है ये जो है ना आप यहाँ से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके साथ एक पिन दी हुई है, ये पिन ऑडियो डिवाइसेस के लिए यूज़ होती है। और इसका जो अपना जो जैक है 3.5 mm का है, इसके ऊपर ये लग जाता है। और इसके साथ जो है माइक की कैप है, जिससे जो है ना आप जो है ना साउंड को डिस्टॉर्शन जो है ना वो कम कर सकते हैं। साथ में एक क्लिप है। दोस्तों इसकी जो तार है काफ़ी लंबी है, तकरीबन जो है ना 6 फुट इसके साथ तार दी हुई है। और इसमें जो बटन लगा हुआ है वो आप नीचे की तरफ दबाएंगे तो स्मार्टफोन, और ऊपर की तरफ दबाएंगे तो कैमरा के लिए या ऑडियो डिवाइसेस के लिए। तो इसको मैं भी खोलता हूँ और आपको इसका अंदर का एक फंक्शन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है ना बैटरी सेल यूज़ होता है, जो कभी किसी ज़माने में घड़ियों में यूज़ होता था।
तो ये बैटरी सेल जो है ना आप यहाँ पे डालेंगे, ये बैटरी सेल सिर्फ कैमरे के लिए यूज़ होता है, याद रखिएगा कि ये सिर्फ कैमरे के लिए यूज़ होता है। बाकी जितनी आपका लैपटॉप हो गया या आपका स्मार्टफोन हो गया तो उसके लिए ये यूज़ नहीं होता। तो काइंडली जो है ना इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जब आप स्मार्टफोन या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपका जो बटन है वो होना चाहिए स्मार्टफोन की जानिब, ताकि जो है ना इसमें डबल करंट ना जाए। और ये आपको माइक नज़र आ रहा है, ये है माइक, शायद आपको क्लियर नज़र आ पाएगा। जी हाँ, तो ये इसका माइक है और इसकी जो साउंड क्वालिटी है ये बहुत ही अच्छी है। तो अभी आप मेरी जो है वॉइस सुन रहे होंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब किसकी कितनी क्लियर आवाज़ है। तो बाकी ये एक साथ पाउच दिया गया, बहुत खूबसूरत पाउच है, ये पाउच जो है ना बहुत ज़रूरी था इसके लिए। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आई है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।